नमस्कार, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास शो में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रतों का विधान है और आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फलदायी है। आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। जैसे एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वैसे ही त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा की जाती है। एकादशी की तरह ही महीने में दो बार त्रयोदशी भी आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रदोष व्रत आखिर है क्या, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, प्रदोष व्रत का अर्थ है जब रात्रि आ रही हो और संध्या काल जा रहा हो, तब जो बीच का समय होता है उसी समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसका तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्र को क्षयरोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी थी। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्र को श्राप मिला था तब उनको काफी ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा था, तब उस पीड़ा का निवारण भगवान शिव शंकर ने किया था। भगवान शिव शंकर की कृपा से वो इस रोग से मुक्त हो गए थे, इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आते हैं। उनके अनुसार कहा जाता है कि जब चारों तरफ अधर्म होगा, बुरी शक्तियां होंगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना से काम करेगा, उस समय जब मनुष्य भगवान शिव की पूजा करेगा वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, मन नहीं ताके रहे कलेशा। शिव चालीसा में आपने ये लाइन सुनी होगी और इसी लाइन को लेकर व्रत को बनाया गया है जिसको हम प्रदोष व्रत कहते हैं। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं ये थोड़े अलग होते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि त्रयोदशी जो है वो सोमवार को पढ़ सकता है, मंगलवार को भी, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार और शनिवार रविवार को पढ़ सकता है। जो जिस दिन जिस वार को जो व्रत पढ़ता है उसका नाम अलग अलग होता है और उसके नाम के अनुसार, उसके दिन तारीख पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष कहा जाता है। ये आयु वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सोमवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए और असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है और इसको करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है और इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बीतता है। शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये पुत्र प्राप्ति के साथ ही साथ नौकरी के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 11 प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत करने के दो तरीके हैं। एक व्रत इस तरीके से होता है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक व्रत करें, उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखें और अगले दिन नहा धोकर अच्छी तरह से भगवान की पूजा करने के बाद व्रत को खोलें। इस तरीके से आप उपवास कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो आप जब ये व्रत पूजा करें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करें। सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करें, उनका ध्यान करें, पूजा की तैयारी करें। इस व्रत में दोस्तों आपको फिर क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले एक बार फिर आपको स्नान करना है और प्रदोष काल के शुरू होने से पहले आपको तैयारियां कर देनी है। आप दोस्तों किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं, बस आपका मन शिवमय होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये व्रत किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है रोग को लेकर, या किसी को संतान नहीं हो रही है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनती है।
प्रदोष व्रत को लेकर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये व्रत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।